हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है प्रोस्टेट स्टोन। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर प्रोस्टेट स्टोन क्या होता है? तो ये एक तरीके का कैल्शियम स्टोन्स होते हैं जो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रेजेंट हो सकते हैं, और ये एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है। स्पेशली ये मेल को मिडिल एज में हो सकता है। इस कंडीशन में पर्सन को कोई हार्म नहीं होता है और ये कई बार एक हार्मलेस कंडीशन हो सकती है। इस कंडीशन में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को कई सारे सिम्टम्स आ सकते हैं और वो यूरिनेशन से रिलेटेड सिम्टम हो सकते हैं, जैसे कि मेल्स को बार बार यूरिनेशन आना या फिर उन्हें पेन होना। अब मैं आपको इसका सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को प्रोस्टेट स्टोन हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि पर्सन को यूरिनरी कंप्लेंट्स आते हैं, जैसे कि पर्सन को यूरिनरी अर्जेंसी बढ़ जाती है, उन्हें बार बार यूरिनरी अर्ज होता है, उन्हें बार बार ऐसा लगता है कि उन्हें यूरिन पास करना है, तो इस टाइप के उन्हें सिम्टम्स आ सकते हैं। पर्सन को यूरिनरी अर्जेंसी हमेशा शाम के टाइम होती है या फिर नाइट टाइम में उन्हें ये फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इसके अलावा पर्सन को यूरिनेशन के टाइम में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, उन्हें डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, पेन फील हो सकता है, उन्हें ईजिली यूरिनेशन नहीं होता है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को पेल्विस एरिया में पेन हो सकता है, उन्हें पेन लोअर बैक एरिया में भी हो सकता है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को पीनिस या फिर पेरेनियम एरिया में पेन हो सकता है। कई बार पर्सन को पेन माइग्रेट होकर स्क्रॉटल एरिया या फिर एनस एरिया में भी हो सकता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि प्रोस्टेट स्टोन में बैक्टीरियल ग्रोथ होने लग जाती है और बैक्टीरियल ग्रोथ होने की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। अगर किसी पर्सन को प्रोस्टेट स्टोन में बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे आपको इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, जिस कंडीशन को क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस कहा जाता है, और इसके साथ ही साथ पर्सन को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो सकता है। कई सारे मेल्स में ऐसा देखा जाता है कि जब उन्हें प्रोस्टेट स्टोन होता है तो उसके वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, और पर्सन को सेक्सुअल इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कि उन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कंप्लेन हो सकती है या फिर जब भी वो इजैक्युलेट होते हैं तब उन्हें पेन हो सकता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को प्रोस्टेट स्टोन होने का। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट कॉज यही है कि अगर पर्सन की बॉडी में कैल्शियम या फॉस्फेट का डिपॉजिशन हो रहा है तो उसके वजह से वहाँ पर स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है। प्रोस्टेट स्टोन वैसे तो किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि ये ओल्ड एज में होता है। जो मेल्स 50 से ज़्यादा एज के होते हैं उनको ये कंडीशन ज़्यादा होती है। इसके अलावा जिन मेल्स को BPH की कंप्लेन होती है, जिसका मतलब है कि अगर किसी मेल का प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ बढ़ने लग जाए तो इन मेल्स में भी प्रोस्टेट स्टोन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप कोनियम मैक 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप चीमाफिला 30 मेडिसिन या फिर आप सेबल सेरुलेटा 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको 4-4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था प्रोस्टेट स्टोन। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।